नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आगरा जनपद में सविता समाज के लोगों ने जर्रार कस्बे में हुई मां बेटी की हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला। शमशाबाद रोड कहराई मोड़ से लेकर शहीद नगर तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सबके हाथों में जलती हुई मोमबत्ती थी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मीडिया से बात करते हुए कुछ महिलाओं और सभ्य समाज के लोगों ने बताया कि पुलिस का कोई खौफ बदमाशों को नहीं है। जहां आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। हत्यारों को फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा कोई अपराध न कर सके। अगर पीड़िता के घर वालों को इंसाफ न मिला तो मजबूरन सड़क पर उतरकर हंगामा करने को मजबूर हो जाएंगे। देखते हैं कि आला अधिकारी इस पर कितना एक्शन लेते हैं और पीड़िता के घर वालों को प्रशासन की तरफ से क्या न्याय मिलता है। मीना कुमारी सत्ता एडवोकेट नाम है मेरा, और मैं भारतीय सत्ता संघ समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और कैंडल मार्च किस टाइप के निकाला ये इसलिए निकाला है कि सत्ता समाज की एक माँ और बेटी का डबल मर्डर कर दिया है, और उसके बेटी की और उनकी माँ की शांति के लिए सत्ता समाज मिल के आज शांति मार्च और कैंडल मार्च निकाला। मेरा नाम राजू ठाकुर है। जो बाह क्षेत्र में हमारी सत्ता समाज की माँ बेटियों के निर्मम हत्या कर दी गई है, उनकी आत्म शांति के लिए नहीं, अभी नहीं है। जब तक उसको फांसी की सजा से नीचे कोई संतुष्टि नहीं, इसीलिए आज ये समाज एकत्रित हुआ है। और ये तो अभी शुरुआत है, इससे आगे बहुत कड़ी लड़ाई लड़ने को समाज पूरी तरह कमर कस के तैयार है। आपकी मांगे इस प्रशासन पूरी नहीं करता तो हम लोग क्या करेंगे? हम जो जायज मांगे हमारी होंगी और जो जायज कर्तव्य हमारे होंगे उन सबको करते रहेंगे, तत्पर करते रहेंगे। और तब तक हमें हमारे उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम बराबर ऐसे ही संघर्ष को जारी रखेंगे। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।